अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सबसे अहम खबर के तौर पर देखा जाए तो भीमा कोरेगांव जंग की 204वीं जयंती मनाई गई, यानी यौम ए भीमा कोरेगांव के जश्न को आज बेलगाम में भी मनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन में आज इस इजलास का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ दलित तंजीमों की जानिब से जश्न भीमा कोरेगांव मनाया गया। हर साल भीमा कोरेगांव को याद किया जाता। पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को फूल मालाएं पहनाकर खराज तहसीन पेश की गई। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर केडी मंत्रेशी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए भीमा कोरेगांव के जश्न को मनाने का मकसद बयान किया। इस वक्त दिगर मेहमानान में अशोक मन्नी केरी, बसवराज रायगोड़, मल्लेश कुरंगी, महेश कोलकार, सुधीर चौगले, जीवन कुरने, महादेव तलवार, अर्जुन देमट्टी, एम आर कलपत्री, सदा कोलकार और परशुराम व गन्नावर मौजूद रहे। आप तमाम इत्तेहाद न्यूज देखने वालों को इस तारीख के जंग का पसे मंजर बताना भी जरूरी है। आखिर क्या था भीमा कोरेगांव और इसे याद क्यों किया जाता है? वैसे तो इस वक्त प्रोफेसर मंत्रीशी ने तफसीलात बयान की, लेकिन इसकी असल वजह आज की तारीख में बयान करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में आज भी दलितों के साथ अछूते की तरह बर्ताव किया जाता। आज भी इन्हें शूद्र समझकर मंदिरों में दाखिला नहीं दिया जाता। और इसी धर्म जात पात के तफरके को मिटाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों पिछड़ों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की, जिसका नतीजा यह हुआ कि दलितों पिछड़ों दबे कुचले तबकात को इंसाफ मिला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दलित आज इस तारीख से दूर होते जा रहे। जिस मकसद को लेकर इनकलाब की शमा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रोशन की थी, आज उसे कहीं तो भुलाने की कोशिश आज की नौजवान नस्ल में देखी जा रही है। आखिर क्या दलित पिछड़े तबकात के साथ सवर्णों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे? इन्हें याद करने वाला मार्का भीमा कोरेगांव था। यकीनन तारीख औराक में इस तरह का वाकया मिलना मुश्किल है। 1 जनवरी 1818 में यह तारीख जंग पूना के करीब भीमा कोरेगांव की यहाँ पेश आई। पेशवाई जो अपने आप को आलाजात के तौर पर देखती थी, उन्होंने दलितों को हिकारत से देखते हुए इनके साथ अछूते का रवैया अख्तियार किया। ऐसा नहीं कि यह किसी को मालूम नहीं, बल्कि तारीख औराक में आज भी दर्ज है। एक वक्त हुआ करता था जब दलित पिछड़े तबके को गांव से बाहर रखा जाता था। इनके हाथ का खाना तक लोग खाने से मना किया करते थे, यहाँ तक के इनके परछाई से भी दूर रहने की कोशिश होती थी और इसी पस मंजर में इनको गांव से बाहर रखा जाता था। यहाँ तक इन्हें पानी तक नहीं पिलाया जाता था। एक इंसान के साथ जानवरों के जैसा सुलूक भारत की तारीख में देखने को नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छूत अछूत के तफरके के खिलाफ इस तरह आवाज बुलंद की कि सारी दुनिया ने इस सबक को हासिल किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महामानव कहा जाता है। भीमा कोरेगांव उस जगह का नाम है जहाँ ये तारीखी जंग पेश आई। पेशवाई और अंग्रेजों के खिलाफ जंग होने जा रही थी। दलितों को महार कहा जाता था। पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई में बाजीराव पेशवाओं के साथ मिलकर महार दलित लड़ना चाहते थे। उन्होंने जाकर वहां पर गुजारिश भी की, लेकिन बाजीराव पेशवा ने इन्हें हिकारत से बाहर निकाला और अछूत कहा और इन्हें बाहर निकाल दिया। 500 महारों ने इस जिल्लत के मद्देनजर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के पास गए, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें अपनी फौज में दाखिल कर लिया। अंग्रेजों और महार यानी दलितों ने मिलकर पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव की जंग में बाजीराव पेशवा के 25,000 फौजियों का कत्लेआम किया। लिहाजा पेशवाओं को जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी। वैसे कुछ सफेद पोश आलाजात के लोगों ने इस तारीख को 109 साल तक छिपा कर रखने की बात कही जाती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तारीख की वारदात को मंजरे आम पर लाया। आज के दिन भीमा कोरेगांव को सैकड़ों लोग जाते हैं, अपने बुजुर्गों की तारीख को याद करने की कोशिश करते हैं। इस तारीख को इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि धर्म जात पात के नाम पर किसी को हकीर समझना नुकसानदेह साबित हो जाता है। सभी इंसान को एक समझना चाहिए, लेकिन आज भी कुछ लोग पेशवाई की तरह नफरत का जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। महज 500 महार योद्धाओं ने भीमा कोरेगांव बना दिया। ये पैगाम उन लोगों के लिए हमेशा के लिए रहेगा कि धर्म जात पात की बुनियाद पर किसी को जलील और हकीर समझने की कोशिश ना करें, वरना कभी भी फिर एक बार नहीं बार बार भीमा कोरेगांव इस मुल्क में दोहराया जा सकता है। 109 वर्ष हा इतिहास दडपून ठेवलेला आहे सगळ्यांनी। बाबासाहेबांनी जर उलगडून दाखवला नसता तर त्या फुल्यांच्या जन्मशताब्दीला सलामी देण्यासाठी बाबासाहेब भीमा कोरेगाव येत्या स्तंभ शोधून काढला। पण पाठीमागे झाडू पुसून घ्यायचं, तुलकी आली तरी मडक। जगात कुठल्या समाजामध्ये ही परिस्थिती होते? या पेशवाईच्या विरोधात लढलोय आम्ही। तुम्ही अपमान केला हरघडी, तुम्ही आमची हेटाळणी केली हरघडी हर ठिकाणी,
तुम्ही आमची अवहेलना केली, या अवहेलनेच्या विरोधात, या हेटाळणीच्या विरोधात, या अपमानाच्या विरोधात, या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही लढा दिला। या काळातले महार त्या दोन्हीची तुलना करतात, शिवशाही कशी होती आणि पेशवाई कशी आहे। आम्ही शिवशाहीला पाठिंबा दिलाय, पेशवाईला देणार नाही, मग ती कुणाची असो। आम्हाला माणुसकी जे कोण देतील, आम्हाला जे कोण स्वातंत्र्य देतील, आमच्याकडे माणूस म्हणून कोण पाहिल, त्याला आम्ही सपोर्ट करतो। मुल्क में अकलियतों पर बढ़ते हमले और जुल्म ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस अकलियती शोबे की जानिब से बरोज पीर 3 तारीख को एहतजाज करने का ऐलान किया गया। मरकजी भाजपा और रियासती हुकूमत की शय पर अकलियतों पर हमले कर सियासी मुफाद हासिल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बेलगाम अकलियती शोबे के जिम्मेदार इमरान तबकीर ने आज साफियों के सामने अपनी बात रखी। बेलगाम शहर में पिछले कुछ अरसे से तनाव का माहौल देखा जा रहा है और खासकर अधिवेशन के दौरान शिवाजी महाराज और संगोली रायना की मूर्तियों की तौहीन के मद्देनजर बेलगाम पुलिस कमिश्नर के त्यागराजन का तबादला किया गया और इनकी जगह पर डॉक्टर एम बी बोरलिंगिया को लाया गया। आज इसी के मद्देनजर इजलास रखा गया था। आज सेवा फाउंडेशन वेलफेयर और हिंद एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कैंप में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाकर खून का दिया यानी ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। वाजा रहे कि ये दोनों इदारे हमेशा सामाजिक खिदमात में सरगर्म रहते हैं, इनके इस खिदमात पर मुबारकबाद पेश की जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर एलबुर्गी फ्रॉम श्री महावीर ब्लड बैंक बेलगाम। एट द आउटसेट आई हार्टली थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट द ऑफिस वेयरर्स एंड मेंबर्स ऑफ हिंद सोसाइटी एंड सेवा फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्लड डोनेशन कैंप ऑन द न्यू ईयर्स डे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ महावीर ब्लड बैंक आई विश ऑल द ऑफिस वेयरर्स एंड मेंबर्स ऑफ द हिंद सोसाइटी एंड सेवा फाउंडेशन ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज जैसे कि हर साल हम हिंद एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो इस ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज करते हैं, इसको इस खिदमत को हम अंजाम दे रहे हैं और इस एरिया के जो नौजवान लड़के हैं हमारे साथ देते हुए हर साल की तरह, इस साल भी बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से हमारे पास ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है और मैं इन नौजवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे हर साल हिंद एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी इस काम को अंजाम देता है, उसी तरह इस साल भी एक नए ऑर्गेनाइजेशन सेवा फाउंडेशन ने हमारे साथ हम सफ़र होके इसमें बखूबी हमारे साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं सुबह से। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम दोनों फाउंडेशन से या एनजीओ से ऐसे काम लेते रहे। आज जो है 2022 1 जनवरी न्यू ईयर के मौके पर हम लोग एक मैसेज जनता को देना चाहते हैं कि 2021 का जो है क्या गुजर चुका है, हम लोग है आज के दिन पे जो है क्या ब्लड डोनेशन कैंप रखे है। तो हिंद एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है कि 15 साल से क्या ब्लड डोनेशन कैंप जो है क्या कर रही है, जो इस बार जो है वो हमें भी वो अपने साथ में लेके वो कंबाइन में हम लोग मिल के ब्लड डोनेशन कैंप किए है। तो जो है ये हम लोगों को जो है पब्लिक जो है सपोर्ट करे और क्या ब्लड देने के लिए आए। हम लोग हर साल इसके बाद ऐसे ही मिल के करते रहेंगे और हम लोगों को जो है हिंद सोसाइटी के पूरी टीम ने बोला है कि इसके बाद जो है पूरे बेलगाम सिटी के हर एक एरिया वाइज में हम लोग इसके बाद जो है ना कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे।